लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक था। अगर बात करें किस संख्या का वर्गमूल है, तो आठ का है। किसका है? आठ का। इसका उत्तर हो जाएगा किसका है? आठ का। आठ का वर्गमूल निकाल के देख लो, जोड़ा नहीं बनेगा, उतना आएगा। ठीक ना? ये आज का सवाल नंबर पहला था। आगे बढ़े, वर्गमूल मैंने बात किया था, स्क्वायर रूट। तो 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 × √2। लेकिन ये क्वेश्चन उल्टा था, कह रहा था कि 2 × √2 किस संख्या का वर्गमूल है, उत्तर होगा 8। करके देख लेना। अब हम चलते हैं अपने क्रम में जहां पर हम लोग चल रहे थे। अभ्यास 5 का बी एस सी कौन सा चल रहा था, आप लोग जानते हो कौन सा चल रहा था? 5 का बी चल रहा था कि सी चल रहा था? बी नंबर चल रहा था ना। चौथा सवाल था इसमें से, अभ्यास 5 का बी। जी, गुड मॉर्निंग सभी को। चौथा नंबर सवाल है, भाग संक्रिया से ज्ञात कीजिए। लिखो जल्दी से, भाग की संक्रिया से ज्ञात कीजिए क्या। क्वेश्चन पहले नोट करिए, ज्ञात कीजिए क्या एक्स प्लस सिक्स, इसमें का पहला पार्ट है एक्स प्लस सिक्स कामा लगा के यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 42 का गुणनखंड है। जल्दी से बोलो, कैसे निकालोगे, कैसे जानोगे गुणनखंड है या नहीं? कोई बताए? एनीवन? नहीं बताया तो जाना मत कहीं, बस बने रह रहा हमारे साथ। चलिए देखिए कैसे जानते हैं, पता है? सबसे पहले इसको हम भाग की संक्रिया से कह रहा है ना, तो सबसे पहले हम इसको भाग करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा, शेषफल जीरो आएगा, तो मतलब है गुणनखंड उसका है। और अगर कोई शेषफल आ गया तो गुणनखंड नहीं है। बस इतना सही तो करना है, ठीक ना? बात समझ रहे हो ना? जी दिलीप कुमार जी, गुड मॉर्निंग। पीके चौहान, गुड मॉर्निंग। डपर भोजपुरी सिंह जी, गुड मॉर्निंग। चलें आगे, थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, थोड़ा कम दिख रहा है ना। मोहम्मद फैजान जी, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओके, सब कुछ ठीक है ना? अब चलें? चलिए ठीक है। अखिलेश कुमार जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, हाँ, तो ये गुणनखंड है या नहीं है कैसे जानेंगे, इसके लिए ध्यान देना। क्या करेंगे? भाग की संक्रिया मतलब इसको भाग करेंगे। एक्स प्लस सिक्स से क्या करेंगे? एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42, इसमें भाग करना है। दिख तो रहा है ना? थोड़ा दूर दूर लिख दें। और ये लो, माइनस का 42 ये लो, ठीक है? आप ओके है ना? चलिए अब क्या करेंगे, इसका भाग कौन कौन कर लेगा? यस या नो? कर लोगे ना? देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हमें भाग करने को कह दिया जाए 42 5 7 2, इसका भाग करो आप 2 से, है ना? इसको तो कर लोगे ना? इसको कर लोगे तो करते क्या, हम 2 का भाग पढ़ेंगे पहाड़ा की 4 या 4 के मतलब बराबर या उसके आसपास आ जाए, यही करते आए। जल्दी बताओ कैसे जानोगे? इसको तो बहुत लोग जानते होंगे, है ना? इसको तो बहुत लोग जानते होंगे कि 2 2 4 होता है, जानते हो ना? लेकिन आता कैसे है वो 2? अगर आपको पहाड़ा याद है तो आपने बता दिया, लेकिन ना याद होता तो कैसे बताते? इसकी जगह पर आप ए लिख लो, तो ए बराबर निकालोगे 4/2, तो ए बराबर क्या आएगा? 2। ये सही तरीका है उस पद को ढूंढने का, कितनी बार जाएगा आपको यहां से मिल गया 2 बार जाएगा ना। वैसे हमें क्या करना है, एक्स प्लस सिक्स का पहाड़ा पढ़ के किसी भी तरह से एक्स का स्क्वायर लाना है ना? तो क्या होगा, हमें यक्स का पहाड़ा पढ़ के यक्स के स्क्वायर के बराबर करना है, बस इतना जान लो।
तो ये बताओ जल्दी से, यक्ष का गुणा हम किस में कर दें कि यक्ष का स्क्वायर हो जाए? कोई बताए जल्दी से कमेंट करके, एक्स में किससे गुणा करें एक्स का स्क्वायर हो जाए? जल्दी बोलिए तुरंत, किससे हो जाएगा? देखिए सिंपल सी बात है, घात दो लाना है ना, आप जानते हो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। दिलीप कुमार अखिलेश कुमार का उत्तर आ चुका है। तो घातें जुड़ेंगी तभी दो होगा, एक घात यहाँ है आपको पता है, एक घात और आ जाए तो दो घात हो जाएगी। तो मतलब एक्स की घात एक से और गुणा कर देंगे, हो जाएगा बराबर ना, यानी कि एक्स की घात वन और एक्स की घात वन, ये टोटल एक्स की घात टू आ जाएगी, है ना? तो बस मिल गया आपको आंसर, यानी ऊपर कितनी बार जाएगा, एक्स बार जाएगा, ऊपर एक्स बार जाएगा। तो देखो आपका ये इसके बराबर आ गया, किसके, एक्स का स्क्वायर के बराबर आ गया। वैसे ये क्या होता, दो बार जाता तो ये चार के बराबर आ गया। अब इसमें क्या करते, घटा लेते, आप जानते हो जीरो आ गया। देखो दोनों में कंपेयर करके बताएंगे तो कभी ना भूलोगे, अगर एक अब लगा देना उसको इधर वाला तो फिर कभी आएगा भी नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे कैसे कैसे हो रहा है ना? बात समझ में आ रही ना? देखिए अब क्या करेंगे, इसको घटा लिया जीरो आ गया ना, अब करोगे क्या? देखो यहां पर तो सिंपल सा था, ये दो अकेले था ना, तो हमने दो का गुणा दो में किया चार हो गया, लेकिन यहाँ क्या है, यक्ष का गुणा एक्स में किया तो एक्स का स्क्वायर हो गया, बट यक्ष का गुणा सिक्स में भी करोगे, क्यों? क्योंकि यक्ष के साथ छः भी तो है ना बगल में, तो इसका गुणा कुल मिला के ऐसे करते हैं, ये यक्ष का गुणा यक्ष प्लस सिक्स में, बात समझ रहे हो ना? अरे भाई भाजक से, ओ सॉरी भागफल से इस भाजक में गुणा करते हैं ना भाज लाने के लिए, तो इस यक्ष का गुणा पूरे में जब करोगे तो यक्ष का स्क्वायर प्लस सिक्स यक्ष आएगा। एक्स का स्क्वायर तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, जो सिक्स एक्स है बगल में इसको भी इसी के बगल में लिखेंगे, ये पूरा अब जाके हुआ। इतना बात समझ में आई ना, ये अब जाके पूरा हुआ। बस घटा लीजिए सभी को, क्या करेंगे घटा लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है, हम सुपर फास्ट चलेंगे, अब घटा लेंगे, ये जीरो हो जाएगा, या फिर इसे आप काट भी सकते हो, ये देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, छः एक्स और एक एक्स, ये क्या हो जाएगा सात एक्स, कितना हो जाएगा सात एक्स, क्यों आया? क्योंकि ऊपर माइनस का एक्स है और ये नीचे माइनस का छः एक्स है, बताओ माइनस माइनस जुड़ता है ना, जुड़ता है, छः एक्स और एक एक्स सात एक्स हो गया, ठीक, और ये माइनस का 42 बगल में था, इसको ऐसे चुपके से उतार लो, हो गई बात पक्की। अच्छा आप एक बात बताओ, आप सभी कितनी बार जाएगा, यक्ष में किससे गुणा कर दें कि सात यक्ष हो जाए, कोई बताएगा किससे कर दें? देखो सिंपल सी बात है, यक्ष तो है ही इधर भी है, सेवन यही अजीब सा लग रहा, नहीं है कहीं, तो सेवन से कर दो हो जाएगा बराबर, ये लो सेवन से कर दिया सेवन एक्स। मतलब देखो एक बात देखना है बहुत जरूरी, वो क्या है, इसके पहले जो चिन्ह है वही यहाँ लगाएंगे, यहाँ प्लस है ना सेवन एक्स, तो यहाँ प्लस, और सात बार जाएगा तो ये सात एक्स, और इस प्लस सात एक्स का गुणा माइन उस प्लस छः में भी करोगे तो ये क्या हो जाएगा? यार ये कौन सा सवाल नंबर है, पहला है? हाँ ठीक है ओके, देखिए एक मिनट देखना है, यहाँ पर ये माइनस था ना, मैंने माइनस लिख लिया, एक्स प्लस छः था, अब ये बताओ आप लोग ये ऊपर क्या जाएगा, प्लस में छः जाएगा कि माइनस में जाएगा? ये सात, देखो प्लस में अगर जाएगा कैसे आप जानोगे कि प्लस में जाएगा कि माइनस में, एक मिनट रुकना तो मैं बताता हूँ, ध्यान देना, जब यक्स का आप माइनस छः एक्स में जोड़ोगे तो माइनस सात एक्स आएगा, ये भूलना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब, क्यों भाई? ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, उत्तर माइनस में आएगा, और ये सात एक्स माइनस में आएगा, यही गड़बड़ हो रहा था, अगर ये सात एक्स माइनस में आएगा तो ऊपर जो सात जाएगा वो माइनस में जाएगा, तभी तो कटेगा, नहीं कटेगा ही नहीं। अब अगर ये सात एक्स माइनस में गया तो अब ये सात का एक्स में हुआ तो सात एक्स, सात का छे में हुआ तो सात छंग 42, अब माहौल ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो जो मैंने लिखा है यहां से गुणा करके नहीं लिखा, ऊपर से उतारा है, इसको जोड़ के लिखा है 42, वैसे उतारा है,
अब चलो गुणा कर लेते हैं, ये -7x हो गया और ये माइनस हो गया 42, इसको घटा लीजिए, चिन्ह बदलेगा, ये सब बराबर 0 हो जाएगा, शेषफल कितना आया, 0 है ना, कट गया। अब क्या लिखेंगे आप? कह रहा था कि क्या ये इसका एक गुणनखंड है या नहीं है, भाग की क्रिया से ज्ञात कीजिए। शेषफल 0 आ गया, मैंने बताया था अगर 0 आ जाएगा तो गुणनखंड होगा, 0 नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो लिखिए, आगे लिखिए एक लाइन में, आ गया ना बलबीर जी, चूंकि यहां एक लाइन में लिख लीजिए छोटा सा, इसको भाग करने के बाद लिखना है, लिखिए चूंकि यक्स प्लस सिक्स से यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 42 पूरी तरह विभाजित है, विभाजित है, अतः यक्स प्लस सिक्स, फिर कामा लगा के, एक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 42 का एक गुणनखंड है। क्या है इसका एक गुणनखंड है, गुणनखंड मतलब जानते हो फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, क्या है ये इसका फैक्टर है, बात समझ रहे हो कि नहीं? गुणनखंड का मीन्स होता है फैक्टर। इसको यहां पर आपका आएगा, मान लो इंग्लिश मीडियम वालों में तो इस पे कुछ ऐसे लिखा होगा, ठीक ना, इसका मतलब क्या है फैक्टर, जल्दी से बोलो, सभी को समझ में आ गया ना, तो इस क्लास को तुरंत लाइक कर दीजिए बिल्कुल बिना देर करे हुए। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं मृत्युंजय जी, जुड़ चुके हैं और तमन्ना निशा, बलबीर प्रजापति, और कुछ नए स्टूडेंट जुड़े हैं, दिलीप कुमार, अखिलेश कुमार, और कॉफी राइट जी एक हैं जो कि बड़े खतरनाक हैं, और वेद शर्मा, अंकित चौधरी, नीरज गौतम। देखिए आप सभी कमेंट करेंगे तो मालूम चलेगा, जो अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए जल्दी से करें तुरंत। तो ये हो गया, भाग की क्रिया करके ज्ञात कीजिए क्या इसके गुणनखंड है या नहीं है, ये हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लिया करिए जैसे सवाल पूरा हो, और अगर स्क्रीनशॉट आप नहीं करना जानते हैं तो बताएं, हम बता दें आपको। और दूसरी बात, आप इस क्लास को खत्म होने के बाद फिर से देखिएगा, क्लास चलेगी, आप धीरे धीरे लिख लीजिएगा, रोक रोक कर वीडियो को टच कर करके लिख लीजिएगा, ठीक है? देखो जो सिस्टम में है उसी को बताएंगे हम, अभी रूट वाला नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें सिलेबस से चलना है, सिलेबस खत्म करना है ना। अगर आप कुछ स्पेशल पढ़ना चाहते हैं मिस्टर तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्या है, एक्स का स्क्वायर, ध्यान से देखना, एक्स का स्क्वायर -1, इसमें का दूसरा, ये एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का घात 6 -1, का गुणनखंड है, वही होगा। बताओ जल्दी से है कि नहीं, बोलिए जल्दी बोलिए। भाग की क्रिया करके ज्ञात कीजिए कि x का घात 6 x का घात 2 -1 का एक गुणनखंड है कि नहीं, जल्दी बताइए, इतना इसका एक गुणनखंड है कि नहीं, कोई बताएगा? जल्दी बोलो फटाफट, कैसे निकालोगे? कैसे आएगा देखिए, चलो भाग करते हैं, अब ज्यादा ना बताएंगे, एक्स घात 6 -1 ना, एक्स घात स्क्वायर -1, ये बताओ जल्दी से, एक्स की घात 2 में किससे गुणा कर दें कि एक्स की घात 6 आ जाए, कोई बताएगा? ये थोड़ा तेज तेज बोलते हैं, जल्दी जल्दी ना, इसीलिए क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे 2 है, आप जानते हो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो अगर 6 में क्या जोड़ें कि सॉरी 2 में क्या जोड़ें कि 6 हो जाए, 4 जोड़ें ना, मतलब x की घात 4। एक बात आपको बता दें, इस क्लास में हर कोई नहीं टिकेगा,
क्योंकि ये क्लास जो है ना एडवांस मैथ में आती है और सबके पल्ले नहीं पड़ता ये, इसलिए अगर टाइम दोगे तो समझ में आएगा। अब क्या करेंगे, माइनस का करके इसको घटा लेंगे, ये खत्म हो गया, अब फिर माइनस वन उतार लेंगे ऊपर से। ना ऐसे नहीं होगा, गड़बड़ है ये, काहे देखो एक्स की घात 4 का गुणा हमने इसमें किया है एक्स की घात 2 में, तब ये तो हो गया एक्स की घात 6, लेकिन ये एक्स की घात 4 का गुणा हम 1 में भी तो करेंगे, तो ये एक्स की घात 4 आएगा। इतना बात समझ में आई, चिन्ह बदल दिया, ये देखो माइनस हो गया जो प्लस था, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, अब एक्स की घात 4 और ये माइनस 1 फिर से उतार लिया। अब क्या करेंगे, यक्स का घात 4 लाना है, बोलो कितनी बार जाएगा, देखो यही करना है, यक्स की घात 2 में किससे मल्टीपल कर दें कि घात 4 आ जाए। आप जानते हो कि 4 कब आएगा, जब 2 में 2 जुड़ेगा तो 4 आएगा, है ना, यानी कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो यक्स की घात 2 से अगर गुणा कर दें हम तो 4 आ जाएगा ना, यानी कि फाइनल में यहाँ पे प्लस और एक्स के घात क्या होगा 4, 4 कहाँ से आ गया 2 क्या था ना, तो एक्स की घात हो गया ये 4 माइनस एक्स की घात 2, चिन्ह बदल दीजिए, ये खत्म हो जाएंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब अगर आप देखो तो ये और ये बराबर आ गया, बराबर आ गया ना, मतलब कि आप इसको 1 बार भाग ले जा सकते हो, कितनी बार, 1 बार, पहले गेट खोल दीजिए, जल्दी चलिए 1 बार ले चलते हैं, ठीक ना, और प्लस में 1 बार, तो 1 बार ले जाओगे तो वही आ जाएगा जो था, और इस तरह से ये फाइनल में हो गया खत्म। अब आगे बढ़ो फटाफट, चलते हैं आगे, नोट कर लीजिए जल्दी से, या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करें, सुपर फास्ट तरीके से चलते रहें आगे, जल्दी करें। आगे चलें, हो गया, लिख लिए, चलिए ठीक है, ओके, हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, देखिए ये सभी नहीं टिकने वाले हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है, ये बहुत आसान नहीं है, इसलिए इसमें सब नहीं टिकेंगे, जो लोग टिकेंगे जिनको पढ़ना है ना, जिनको पढ़ना है वही टिकेंगे इसमें। ये आसान नहीं है, जो लोग 10th में है 12th में है कुछ भी कर रहे हैं, ये पल्ले नहीं पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है इसमें, इसका गुणा भी होता है इसी तरह का, अगर भाग वाला नहीं आएगा तो गुणा वाला भी ना आएगा, तो इस तरह से ये क्या हो गया, खत्म हो गया, पूरा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ध्यान से देखना, पूरा देखना, भागना मत बीच में, हार नहीं मानना है, लगे रहना है बस, ठीक है। अब आप लोग एक छोटा सा सवाल बताना, खुद से करना, होमवर्क के लिए लिख लो, होमवर्क के लिए लिखो जल्दी से, क्या यक्स प्लस 4 यक्स स्क्वायर प्लस 4 यक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है, क्या है एक गुणनखंड है करके बताना, ये ए है पहला नंबर, दूसरा क्या एक्स प्लस 1 समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 का एक गुणनखंड है, घर से करना, होमवर्क नंबर तीसरा, एक्स प्लस 2 क्या समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 का एक गुणनखंड है, करना सभी को घर से, नहीं आएगा बताना, कोशिश तो करोगे ना कुछ तो होगा ही, चलिए आगे चलते हैं। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, क्या करना है, अब गुणनखंड निकालना है, फैक्टर निकालना है। अच्छा जो जुड़े हैं वो एक बात बता दें कि चल तो रहा है ना सही, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना क्लास में, रुक तो नहीं रहा ना, बफरिंग तो नहीं हो रहा है ना,
जल्दी से बोलो, यहाँ पे बड़ा धूम मची है यार, सब बड़बड़ बड़बड़ मचाए हैं, इनको कुछ करना पड़ेगा। इनसे तेज चिल्लाएं तो समझ में आता है, अगर धीमे बोलेंगे तो फिर कुछ ना पल्ले पड़ेगा। बफरिंग तो नहीं हो रहा है ना। चलिए अब हम आगे चलेंगे गुणनखंड में। ये तो हो गया खत्म, क्या करेंगे गुणनखंड, ये सब भूल जाते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं। अब क्या करेंगे गुणनखंड, देखिए अभ्यास 5 का सी आ गया शायद, है ना, 5 का सी, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड। चलिए समीकरण देखिए क्या क्या दिए गए हैं, ये सर्व समीकाएं दी गई हैं, इनको करने का दो तरीका है गुणनखंड। पहला सवाल है x का स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 16 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, गुणनखंड ज्ञात करें। अच्छा आप लोग जो कर लेंगे इसको जल्दी से यस लिख के कमेंट करो, जो ना कर पाएंगे वो नो लिख कर कमेंट करें, देखते हैं जनता की राय क्या है। होता है ना चुनाव प्रचार में जनता की राय ली जाती है, तो यहाँ पे चुनाव प्रचार तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ स्टूडेंट की राय लेनी चाहिए। यस या नो, गुणनखंड कर लोगे यस या नो, ईमानदारी से बताना, झूठी मत बोलना कि उनको तो पता है नहीं, हम हाँ बोल देंगे तो वाह वाह हो जाएगा, झूठी की वाह वाह नहीं करना। देखिए इसको गुणनखंड करने के दो तरीके हैं, कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, दोनों मैं आपको बता रहा हूँ, गौर करिएगा। पहला तो एक आप सर्वसमिका लगाओगे, अब आप शांति से कहीं बैठ जाइए ठीक ना, और दूसरा तरीका क्या है कि आप बीच के पदों को तोड़ करके करोगे। तो दोनों तरीका हम लोग चलते हैं आगे, बस देखते रहना पूरा, भागना मत कहीं। चलिए आ गए सभी के रिस्पांस, यार ना यस बोल रहे हो ना हाँ बोल रहे हो, क्या बात है, बहादुर यादव जी नए नए जुड़े हैं क्या। और हाँ जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना नहीं भूलेंगे, जिससे उनको अगली क्लास भी मिल सके। थोड़ा सा रुकना, कैमरा थोड़ा साफ कर देते हैं, मुझे धुंधला लग रहा है, रुकना थोड़ा सा। कुछ बदलाव हुआ, चलिए गुणनखंड करने का पहला तरीका देखना, बीच वाला पद तोड़ करके, ठीक है। बीच वाला पद में तोड़ के क्या करते हैं, जब यहाँ पर प्लस हो यहाँ पर क्या हो, दोनों प्लस हो, ये बताओ कोई दो गिनती जिसको गुणा करने पर 16 आए, गुणा करने पर 16 आए और जोड़ने पर 8 आए, जोड़ने पर क्या आए, 8 आए, जल्दी बोलो कोई दो अंक, जैसे गुणा करने पर 16 आएगा किसको किसको, 8 को 2 में गुणा करो तब भी 16 होगा है ना, लेकिन 8 को 2 में जोड़ोगे तो, 8 को 2 में जोड़ोगे तो नहीं होगा है ना, कैसे होगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, दो नंबर ले लो, मान लेते हैं हमने ले लिया 8 और 2, 8 और 2 का गुणा किया देखो 16 हो गया है ना, लेकिन जब आप 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 हो गया, ये बराबर नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा है, हाँ जी 4 4 होगा, मुझे मालूम था, लेकिन आपको थोड़ा सा उलझाना था, समझाना था, तो समझाना पड़ेगा ना। तो 16 और कब आएगा, 2 का 8 में गुणा करेंगे 16 आएगा, 4 का 4 में करेंगे तब भी 16 आएगा, बाकी तो हमें नहीं लगता कभी 16 आएगा, 16 का 1 में करोगे तब 16 आएगा, 16 ना, तो 4 का 4 में कर लो, 4 4 16 हो गया, मतलब 4 4 जा 16 और 4 में 4 ऐड करोगे तो देखो 8 आ गया, मतलब बीच वाला पद जो है वो जोड़ने पर आए दो ऐसा अंक लो और किनारे वाला गुणा करने पर आए, बस यही करना होता है। लेकिन यहाँ पर 1 होना चाहिए, मतलब यहाँ कोई गिनती नहीं होनी चाहिए, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा होता 3x2, 3x2 लिखा होता तो फिर ये नियम ना लगता, याद रखना
अगर यहां पर कुछ भी लिखा है दूसरा अंक तो ना लगेगा नियम, एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए तब ये नियम लगेगा, नहीं होगा अकेला तो क्या लगेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 8 की जगह पर लिख दो 4 प्लस 4, क्योंकि हमने यही सीखा ना अभी, और ये x इसके बगल में चुपके से लिख दो, ये 16 ऐसे लिख दो, बस इतना ही करना था, बाकी कुछ नहीं था। ये बताओ थोड़ा चमक वगैरह कम हुआ है क्या, चमक वगैरह कम हुआ है क्या थोड़ा सा? अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो तुरंत बता देना बिना किसी टेंशन के, बफरिंग करेगा तो कमेंट करना, भागना मत, ना दिखेगा तब भी बताना, क्योंकि लाइव में बड़ा रिस्क होता है यार। यक्स का स्क्वायर प्लस 4 का एक्स में करोगे 4x, प्लस 4 का एक्स में ये 4x प्लस 16, ठीक है ना? आगे चलें, इसमें और इसमें कॉमन लेना है, कॉमन लेना जानते हो ना, कॉमन लेना जानते हो ना। एक छोटा सा एग्जांपल बता दें कॉमन का, जरा देखना। जैसे मैंने ये लिया है, क्या क्या लिया है, ये चलो ले लिया मैंने, तीन चार सामान लिए हैं है ना। ये बताइए इसमें से कौन सी ऐसी सामान मैंने लिया है थिंग्स जो कॉमन है, मतलब जो दोनों हाथ में हो, जल्दी से बोलो। कॉमन का मतलब यही होता है, बस जान लो, मैंने दोनों हाथ में कुछ ना कुछ लिया है। अभी बताओ दोनों में मैंने कौन सी ऐसी चीज लिया जो दोनों में है, मतलब वो वस्तु है, कलर से नहीं मतलब कि दूसरा कलर है, दिख तो रहा है ना, बोलो जल्दी से यार, कुछ तो समझोगे। क्या है? पेन? जी नीरज गौतम जी बिल्कुल, मार्कर, दोनों में मार्कर कहाँ मिस्टर पीके चौहान जी? मार्कर नहीं है, आप पिए हैं सही में क्या? मार्कर दोनों में कहाँ है? इसमें देखो कहाँ है मार्कर, इसमें तो नहीं है ना, इसी में है ना, दोनों में होना चाहिए, दोनों में देखो पेन है, पेन दोनों में है ना, यही कॉमन है, समझ गए ना, कॉमन का मतलब यही होता है बस। अब चलो आगे बढ़ते हैं, जाने दो खत्म। वैसे इसमें देखो दोनों में क्या है, दोनों में क्या है, थोड़ा जूम करके दिखाएं, यक्स का स्क्वायर प्लस 4x, ये बताओ इसमें दोनों में क्या है जो दोनों में है? आप ध्यान दो तो, 4 जो इसमें है, इसमें 4 तो नहीं है ना, इसमें यक्स है, इसमें भी यक्स है, तो यक्स कामन ले लोगे, कामन का मतलब होता है भाग करना, ठीक है? तो यक्स कॉमन ले लोगे, इसमें 1x बचेगा, इसमें 4 बचेगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप जीरो लेवल की मैथ को पीछे से देखिए, अब आगे ना बताएंगे कैसे बचा, काहे बचा, क्यों बचा। यहां पर प्लस 4 कॉमन ले लोगे तो यक्स प्लस 4 बचेगा, इस तरह से यक्स प्लस 4 और यक्स प्लस 4, ये एक्स प्लस 4 जो दो बार था एक बार हो गया, ये एक्स और ये प्लस 4 मिला के एक बार हो, ये दो बार है इसलिए एक्स प्लस 4 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। ये आप इसमें इतना कर सकते हो, लेकिन कह रहा था गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो गुणनखंड में आप इसको नहीं करो, कोई मतलब नहीं। अब यहां आप लिख सकते हो, आता यक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 के गुणनखंड क्या क्या है, एक्स प्लस 4 कामा एक्स प्लस 4 है, इतना बात पल्ले पड़ी ना। ये मत सोचना आप लोग, कुछ लोग सोचते हैं यार ये 1 लाख 2 लाख स्टूडेंट हैं, लेकिन लाइव में मात्र 150 8 10 20 क्यों आते हैं? आपने देखा होगा परीक्षा कोई होती है 10 लाख फॉर्म पढ़ते हैं ना, 8 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, जो कंपटीशन वाली होती है, पास कितने होते हैं, नौकरी कितने को मिलती है, 8 लाख में से मुश्किल से 8,000 को भी नहीं मिलती है ना? बाकी सब कहाँ जाते हैं, बाहरे तो जाते हैं। तो ये मत सोचा करिए कि सब्सक्राइब सब करें हैं तो देखते काहे नहीं है, देखते वही हैं जिनको कुछ करना है, बात समझ रहे हो ना? जो बड़े बड़े चैनल हैं जिसपे मिलियन सब्सक्राइबर है, मिलियन मतलब जानते हो, 1 मिलियन का मतलब होता 10 लाख, जिस पर 50 लाख सब्सक्राइबर हैं उस पर भी मैंने 5 लोग को देखते हुए लाइव देखा है, तो ये बात अलग अलग होती है, सिचुएशन की बात होती है। रामफूल गौंड जी गुड मॉर्निंग, नीरज गौतम जी कोई समस्या है क्या आपकी, बोलिए। चलिए तो ये हो गया,
हाँ, गुणनखंड का मतलब थोड़ा सा अच्छे भाषा में समझ लो, गुणनखंड का मतलब थोड़ा अच्छे भाषा में समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा 16 के गुणनखंड कीजिए, क्या करिए 16 के गुणनखंड, तो 16 के गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 2 × 2। बात समझ में आई ना? यानी इनका गुणा कर लो अगर सभी का, 2 × 4 × 8 × 16 तो बराबर ये 16 आ जाए। ठीक उसी तरह से यक्स का स्क्वायर प्लस 8x + 16 के जो गुणनखंड हैं वो यक्स प्लस 4 और यक्स प्लस 4 हैं। अब समझ में आया गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जान में आया ना समझ में? जैसे आप इनको सबको गुणा कर लोगे तो ये 16 आ जाएगा ना, वैसे आप इन दोनों को गुणा कर लोगे तो ये आ जाएगा। ये होता है गुणनखंड का मतलब। आप लोगों को ये 16 वाला तो मालूम रहा होगा, बचपन में एलसीएम एचसीएफ करते थे, लेकिन ये जो आ गया बड़ा लफड़ा वाला लग रहा है ना? देखिए हम बातों को पूरा करके थोड़ा समय के लिए हटते हैं आगे से, और उतने देर में आप लोग फटा से तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करिए तुरंत, ठीक ना? स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे तो बाद में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखने के लिए टाइम तो होता नहीं कि हम रुके रहें और आप छापो बैठ के आराम से। तो उम्मीद करते हैं आप गुणनखंड करना सीख गए होंगे। अब आप कुछ होमवर्क लिख लीजिए, उसको घर से करना। क्या करना है होमवर्क? लिखिए होमवर्क जल्दी से। यक्स स्क्वायर प्लस 6x + 9 के गुणनखंड ज्ञात करिए। दूसरा, यक्स का स्क्वायर प्लस 10x + 25 इसके गुणनखंड ज्ञात करिए। ये होमवर्क है। अगला, सब यक्स में काहे दूँ, वाई में लिख लो। वाई का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, X, यानी 14X प्लस 49। जल्दी से बोलो, फैक्टर कर लोगे ना इन सब का? रामफूल गौड़ जी बिल्कुल करवाएंगे, जो आप कहोगे सब कुछ होगा। लेकिन ये बताइए पहले कि आप क्लास को ज्वाइन किए हो कि नहीं। इसके लिए एक कंडीशन होती है और उस कंडीशन को आपको स्वीकार करना होगा। 9th की ऑनलाइन कोचिंग होती है अगर आपने ज्वाइन किया है तो, ठीक ना? ये होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क है, इसको कर लेना। होमवर्क करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो और अच्छी बात है। अब देखते हैं आप कौन सी बात करते हो। अब दोनों स्थिति में अच्छी बात क्यों है? इसलिए है कि अगर करोगे तो आप पास हो जाओगे, आगे बढ़ोगे, अच्छी बात है। नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, अगली साल फिर हमारे साथ पढ़ोगे तो हमारे लिए अच्छी बात होगी, ठीक ना? तो फिर आपको निर्णय लेना है क्या करना है। पढ़ोगे YouTube पर देखोगे तब भी अच्छा होगा, फीस जमा करके पढ़ोगे तब भी अच्छा होगा। अब अगला अभ्यास में चलते हैं, 5 का C। कक्षा 8 की NCERT मैथ आप पढ़ रहे हैं, आप चलेंगे 5 का C। क्या चलेंगे? 5 का C। देखिए पीके चौहान ने एक सवाल कमेंट किया है, 3x + 6x + 25। चौहान साहब जी, ये तो कोई सर्वसमिका है ही नहीं। 3x में 6x जुड़ जाएगा, 9x + 25 आ जाएगा। अगर स्क्वायर है 3 पर, हाँ अगर 3 पर स्क्वायर है तब हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना। कैसे है सवाल, आपने तो क्लियर किया नहीं। चलिए अच्छा, आप लोग एक छोटा सा बात बताइए, वो बड़ा ही अजीब सा है। यक्स का स्क्वायर गुणा यक्स का घात -2, इसका मान क्या होगा? कोई बताए? नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, यन ओ नो।
जल्दी से बोलिए, आटा वाले बोलो कितना आएगा, कितना आएगा? वन आएगा। महा बेवकूफ लड़का है ये। और कोई बताए, जुड़ जाती हैं, टू में से टू घट जाएगा तो फिर ऋषि क्या होगा, रिजवी जीरो हो आप जाएगा अभी ना। अभी आ रहे हैं ना, सुबह हो रही लग रहा है। जब किसी चीज का जीरो होती है तो उसका मान वन होता है। वाह बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे बच्चे हैं वैसे यहाँ जो हैं, सब बेवकूफ ही नहीं है, वो तो बोल देते प्यार से। देखिए इसमें दो तरीका है इसको करने का, और आप लोग कोई और बताए जल्दी से। कुछ लोग तो यक्ष बता रहे हैं, यक्ष नहीं होगा। मोहम्मद फैजान जी का कमेंट सबसे पहले आया है, इन्होंने भी बताया है अपनी अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार। तो चलिए ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। इसका मान वन आएगा, और कैसे आएगा मैं दिखा रहा हूँ, वन आएगा मैं दिखा रहा हूँ कैसे आएगा। थोड़ा सा रुकना यार, इसमें हल नहीं कर रहा हूँ, ये कैलकुलेटर में नहीं हल होता है, मैं इसमें देख रहा हूँ कुछ दूसरा। देखो इधर पहले सब लोग, पहला तरीका ये है कि यक्स स्क्वायर और ये प्लस और माइनस कर दो, क्योंकि गुणा करने पर घाते जुड़ जाती हैं, तो जोड़ने के लिए प्लस लगाएंगे, चूंकि ये माइनस में है इसलिए माइनस। फाइनल में आएगा यक्स का पावर ये 2-2 और यक्स की पावर 0, और किसी भी चर या अचर की घात अगर 0 होती तो उसका मान 1 होता है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि यक्स की पावर -2 का मतलब होता है 1/यक्स, और सॉरी यक्स की पावर -2 है ना, हाँ एक्स की पावर -2 का मतलब होता है 1/यक्स का स्क्वायर, मतलब जो नीचे बटे में होता है वही ऊपर जाता है तो क्या होता है, प्लस में होता है। बात समझ रहे हो ना, तो इसका मतलब ये होता है। तो उसके आगे तो आप समझदार हो ही ना, बताना पड़ेगा का, चलिए बता देते हैं। तो ये यक्स का स्क्वायर हो गया, और गुणा यक्स की घात -2 की जगह पे आप इसको लिख सकते हो 1/यक्स का स्क्वायर, लिख सकते हो ना इस तरह से। जब गुणा करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, और जब बराबर बराबर का मुकाबला होता है तो क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है ना, मतलब ये दोनों कट जाएंगे एक प्रकार से, 1 आ जाएगा, 1/1 = 1। हाँ याद रखना, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है कुछ लोग से, हमसे भी हो जाता है। अगर यक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर है तो ये कट करके 0 ना आएगा, 1 आएगा, ये बात तो याद रखना दिमाग में, ठीक ना, क्योंकि ये कटेगा तो 1/1 आएगा और फाइनल में 1 आएगा। बहुत बड़ी बात है ये, अच्छे अच्छे इसमें परास्त हो जाते हैं, ठीक ना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कोशिश करोगे तो आएगा समझ में, ना करोगे तो भगवान मालिक है, और जो लोग और भी हैं ना उनके अल्लाह मालिक है, और क्या बोले, और तो शायद कोई नहीं है ना। चलिए ये तो आपका हो गया ये चैप्टर, अब अगला चैप्टर में हम लोग चल रहे हैं 5 कस्सी। क्या देखेंगे, 5 कस्सी। तो 5 कस्सी में आ जाओ फटाफट सभी लोग, देखिए 9 बजने वाला है क्या। मोहम्मद सोनू सर आ गए, आइए एक बार आपको दर्शन करवा देते हैं इनका, अभी इनको बहुत ठंडी लगी है, बहुत बटरे बटरे आ रहे हैं। अभ्यास 5 कस्सी कौन सा देखेंगे, 5 कस्सी। इसमें एक सवाल देख लीजिएगा, अभी सर 15 मिनट बचा है, आप वो कर लीजिए, क्या करते हैं जो कुछ करना है। हाँ तो देखिए इनकी क्लास सर की लाइव नहीं होगी, आपको 5 तारीख से इनकी क्लास मिलेंगी, जो कि अभी कुछ व्यवस्थित हो रही है। साइंस की क्लास मिलेगी, याद रखना सभी लोग के लिए होगा, स्पेशल साइंस के मास्टर बन जाएंगे आप लोग, ठीक है, साइंस में PhD करवा देंगे आपको यहाँ पर। बस आप लोग क्लास को पूरा देखना, 5 नवंबर से आपको डेट फिक्स कर दिया गया है, टाइम भी फिक्स कर दिया जाएगा। चलिए अभ्यास 5 कस्सी, इसमें क्या करना है, निम्नांकित व्यंजकों में लिखिए, निम्नांकित व्यंजकों में
स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रकार के पद छांटिए, प्रकार के पद छांटिए। अब ये सब कैसे होता है देखना इधर जी, समझ में आ रहा कि नहीं? कैसे छांटोगे? पहले तो मिले तो क्वेश्चन तब छांटोगे ना। अगर आप लोग इससे परिचित हैं तो बताइए, यस जल्दी से कमेंट करिए, परिचित है ना इससे? स्टेटस वाले भैया जी, क्या नाम है आपका? बड़ा अच्छा नाम है यार, दिलीप कुमार, निशी रिजवी, पीके चौहान, मोहम्मद फैजान जी, रामफूल गौड़, बहादुर यादव और जो भी जुड़े हुए हैं, बताओ जल्दी से, इससे परिचित हो ना आप सभी। ये एक सर्वसमिका है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, क्लास 5 से शायद मिल जाता है, 4 से ही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सर्वसमिका है ना? तो करोगे क्या आप? पहले सवालों तो लिखने दो ना भाई। देखिए स्टेटस वाले भैया जी, अभी नाम नहीं बताए अपना, ये स्टेटस वाले भैया जी मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनका नाम से कमेंट आ रहा है। ए का स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16। देखिए इसी तरह के कई सवाल दिए गए हैं, हम तो यहां पर एक लिख रहे हैं, कई दिए गए हैं, उनको क्या करना है, इसको आपको बताना है कि क्या ये जो सर्वसमिका दी गई है वो इसके प्रकार की है कि नहीं है। अब कैसे कहोगे इसके प्रकार की है, मतलब इस सर्वसमिका के सारे रूल और गुणधर्म, इसकी जो भी भ्रांतियां प्रांतियां सब फॉलो करता है कि नहीं? बस अगर करता है तो है, नहीं करता है तो नहीं है, ठीक ना? अब बोलो है कि नहीं है, कैसे जानेंगे? देखो सिंपल सी बात है, इसको करने में कठिनाई होगी क्योंकि ये उस रूप का है नहीं, और जो है उसको मैं पहले करवा दूं, लिखने का प्रॉब्लम होगा, पहले इसी को देख देख लिए, इधर देखिए ए का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा, फिर प्लस, अब बीच वाला पद छोड़ दो, कुछ मत लिखो, लास्ट वाला पद आप जानते हो, इसको 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, क्योंकि अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 16 हो जाएगा, और आपने देखा होगा आपको ए मिल गया और बी मिल गया, ए बी मिल गया ना, ए बी मिल गया, तो आप जानते हो ये ए बी मिल गया, तो ए प्लस बी मतलब 4 का होल स्क्वायर, इतना होना चाहिए ना? बोलो यस होना चाहिए कि नहीं? दिमाग लगाओगे तभी आएगा, ये तो मैं प्रधानमंत्री जी की वाली बात कर रहा हूँ, होना चाहिए कि नहीं, है ना? ताली मत बजाना, यस या नो बोलना बस। तो क्या होगा अब, ये ए का स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर ए है, बी की जगह पर 4 है, तो फाइनल में लास्ट में बी का स्क्वायर आएगा, मतलब 4 का स्क्वायर, बोलो आएगा ना? तो ये कुल मिला के ए का स्क्वायर प्लस 8a और प्लस 16 आएगा, देखो इतना आएगा ना, यानी कि अगर आप ध्यान दो तो ये चीज जो है इसके बराबर है क्या? नहीं आया बराबर ना, तो यहाँ पर ये इसका फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, 2 into a की जगह पर a, b की जगह पर 4, और फिर क्या हुआ, ये हो गया a का स्क्वायर प्लस 8a और प्लस 16, दोनों बराबर नहीं है कि है बराबर? ये इक्वेशन जो है, ये सॉरी मतलब सर्वसमिका, इस सर्वसमिका के बराबर है नहीं है? अब इसको समझने के लिए हम आपको बना देते हैं कुछ तरीका, ऐसे आपको समझना आएगा। देखिए समझने के लिए तरीका क्या बता रहे हैं उसको देखना, जो पहले लिखे हैं ना उसको आप लिख लीजिए, समीकरण एक चाहे लिख लीजिए, वैसे समीकरण तो नहीं बन रहा फिलहाल, कैसे समझेंगे आप, मतलब हमारा समझ गए होंगे, एग्जाम में आपको केवल बताना है कि इसके प्रकार का है कि नहीं है, आप लिख देंगे क्या, नीचे लिख दो ऐसे बस, सर्वसमिका, कुछ मत लिखो ज्यादा, ऐसे लिख दो सर्वसमिका ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 16
फिर कामा लगा के ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के प्रकार की नहीं है, प्रकार की नहीं है, बस इतना ही करना था। इसको तो लिख लोगे लास्ट में ना, और क्यों नहीं है वो तो आप समझ गए, समझ गए ना। अभी दूसरा एग्जाम्पल से पूरा समझ जाओगे, जो 2-4% समझे हैं अभी वो पूरा समझ जाएंगे, अभी जो 4% में है देखना। अब एक दूसरा देते हैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। एक बात मैं आपको फिर बता दूं, वो ये है कि कुछ लोगों का सवाल आता है जो मुझे भी काफी सोच में डाल दिया था अभी तक, लेकिन अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। वो ये है कि भाई पीबीआर स्टडी में 1,18,000 स्टूडेंट आज की डेट में हैं, लेकिन लाइव में मात्र 18 लोग क्यों आते हैं। तो वही मैं आपको फिर से बता दूं कि जब कोई फॉर्म पड़ता है तो 1,000,000 लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन नौकरी जो मिलती है 8,000 से कम ही लोगों को मिलती है। तो फिर ये जरूरी नहीं कि जितने लोग फॉर्म डाले हैं सबको नौकरी ही मिल जाए, तो वैसे जरूरी नहीं कि जो सब्सक्राइब किए हैं सब क्लास ही देख लें, ठीक। और दूसरी बात, जो चैनल पे मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसमें भी लाइव में मैंने 15 लोगों को देखते हुए देखा है, तो वो सब जरूरत के हिसाब से लोग देखते हैं, और बाकी आप समझदार हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, आप लोगों ने कहां तक पढ़ा है, कहां तक पढ़ा है ये तो मालूम है ना, 5 का सी चल रहा है। चलिए एक समीकरण दूसरा देते हैं, एक्स स्क्वायर मतलब सर्वसमिका ही है, एक्स का स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 25। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ क्या ये सर्वसमिका, क्या ये सर्वसमिका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर के रूप की है कि नहीं, क्या ये सर्वसमिका इसके फॉर्म की है कि नहीं। जो अभी अभी जुड़ रहे हैं उनको ना पल्ले पड़ रहा होगा क्या हो रहा है। अश्वनी कुमार जी, हम ये कर रहे हैं, क्वेश्चन फिर से सुन लो जो नए नए जुड़े हैं। सवाल है, ज्ञात कीजिए क्या दी गई सर्वसमिकाएं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप की हैं कि नहीं। बात समझ गए ना, ज्ञात कीजिए दी गई सर्वसमिकाएं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप की हैं या नहीं है। बात समझ में आया ना, यही निकालना है, सवाल यही है, समझ गए। तो यही सवाल है, किताब में अलग तरह दिया है, किताब में लिखा है निम्नांकित व्यंजकों में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप का व्यंजक छांटिए। बात समझ में आई ना, के रूप का व्यंजक छांटिए। तो अब क्या करोगे, इसी रूप में चलेंगे। अभिषेक सर जी ये बताइए, आप चले तो गए लेकिन आपने पावर बैंक नहीं लिया, मुझे याद है ना। और हम काहे लिए यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि आपका नंबर हमने एक बार कोशिश किया लेकिन लगा नहीं, दोबारा फिर भुला गया, लगाया नहीं। हम ठीक हैं, बस आप बताइए कहाँ पे हैं ये बताइए। आप जो स्टूडेंट लोग देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे ये क्या हो रहा है, उसी में देखिए एक कमेंट आ रहा है ना। आगे चलें, चलिए इसके रूप का करना है। तो हमने आपको बताया था ये x का स्क्वायर हो गया, और फिर प्लस लास्ट वाला का कर लो आप स्क्वायर, ये बोल लो इतना हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं, कोई दिक्कत। 25 को 5 का स्क्वायर कर सकते हैं x का स्क्वायर ऐसे, और आप जानते हो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये होता है ना, होता है ना। तो ये 2 into a, ए की जगह पर यक्स और बी की जगह पर 5। अब इसको फाइनल कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो बताना। यक्स का स्क्वायर प्लस 10x और प्लस ये 25। यहाँ पर आप एक बात देख रहे होंगे, वो क्या है कि
ये देखो जो व्यंजक है इसके बराबर आ गया, जल्दी से बताओ बराबर आया कि नहीं आया ना। अब क्या करेंगे आप, अब नीचे लिखेंगे अतः यक्स स्क्वायर प्लस 10x+25 व्यंजक व्यंजक ए स्क्वायर प्लस 2ab+b² के रूप का है, के रूप का है। बात समझ में आई ना, बस हो गया यही तो करना था इसमें। शैलेंद्र यादव जी गुड मॉर्निंग, जी गुड मॉर्निंग सभी को। जो जो नए साथी जुड़े हैं उनसे यही आग्रह होगी कि वो क्लास को सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और क्लास को लाइक अवश्य करें, ठीक ना। बात समझ रहे हो कि नहीं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया ये, जल्दी करें, टाइम ओवर हो चुका है आपका। ये क्लास हो चुकी है 58 मिनट और 42 सेकंड की, है ना, 58 मिनट 42 सेकंड की ये क्लास हो चुकी है। आपकी क्लासें सुबह 5 बजे से शुरू होती हैं। आपको याद दिला दें यहाँ पर कि सुबह 5 बजे से आपकी जीरो लेवल मैथ होती है, जो आप देख रहे हैं ये सुबह 5 बजे से होती है। और जिनको पढ़ना है वो सुबह उठ जाए 5 बजे से, अगर हम उठेंगे तो जरूर चलेगी 5 बजे से, ठीक ना। और हाँ 5 बजे से अक्सर हर दिन होती है, कभी कभार चाहे ना हो बस। और दूसरी क्लास आपकी होती है सुबह 6 बजे से, और तीसरी क्लास होती है सुबह 6:30 बजे से, चौथी क्लास होती है सुबह 7 बजे से, और पांचवी क्लास होती है सुबह 8 बजे से। ये सब मैथ की क्लास है, सिर्फ मैथ की क्लास है, बाकी कोई नहीं, बीच में कोई मिलावट नहीं। ये होती है जीरो लेवल मैथ, लिख लीजिए जिसके काम का है। जीरो लेवल मैथ होती है मतलब जिसमें आप जुड़े हो, एकदम शुरू से मैथ सीखते हैं हम लोग सुबह 5 बजे से, ठीक है। सुबह की शुरुआत होती है जीरो लेवल मैथ से। उसके बाद अगर आगे बात करें 6 बजे से, तो 6 बजे होती है DLED यानी कि BTC की क्लास, जिसमें तीन तीन दिन में बांटा गया है। सुबह 6 बजे 3 दिन 4 सेमेस्टर होती है, 3 दिन होती है कौन सा, थर्ड सेमेस्टर, ठीक। दूसरा 6:30 बजे से, ये भी DLED ही होता है, इसमें भी 3 दिन बांटा गया है, 3 दिन होती है सेकेंड सेमेस्टर, 3 दिन होती है फर्स्ट सेमेस्टर। 7 बजे से आपकी कंपटीशन की मैथ होती है, SSC RRB TET CTET जो भी कंपटीशन वाले एग्जाम है उसके लिए गणित होती है 7 बजे से। 8 बजे से होती है 10th की NCERT मैथ, 10th की NCERT मैथ भारत के सभी राज्यों और सभी अभ्यर्थियों स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए मान्य होती है, बाकी जो 10th में नहीं है उनके लिए भी नुकसान नहीं करती, ठीक ना। इसी में आपकी साइंस की भी क्लास शामिल होने वाली है, और पर्यावरण करंट अफेयर, वो भी जल्दी ही हम आपके लिए टाइम फिक्स करेंगे, आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। तो साथियों आज का टाइम ओवर हो चुका है, चलते हैं इन्हीं बातों के साथ, आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, फिर अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, आप लोग वेट करिएगा अगली क्लास के लिए। और हाँ, जो अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक करके जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।